Look at that, it's so beautiful. We have the kingfish here. Yeah. Okay. Oil. Coconut oil. Yeah. Mustard. Garlic. Garlic. Ginger. Ginger. Chili. Chili. Garlic. Curry leaf. Some chopped onions. Chopped onions. Tomato. Chopped tomato. Chopped tomatoes. More oil. अच्छा धुआं बहुत हो रहा था तो एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट हो गया तो थोड़ा साउंड आने वाला है आपको एग्जॉस्ट फैन का. ये करी का नाम क्या है? आलपी फिश करी. ओके. केरला ट्रेडिशनल. ये ट्रेडिशनल केरला स्टाइल फिश करी है. कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे और अब जा रहा है इसमें चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, फिश मसाला पाउडर. दिस इज अ फिश मसाला. फिश मसाला. नाउ इज एडिंग वाटर. वी आर इनसाइड द किचन ऑफ ऑथेंटिक केरला, द टेस्ट ऑफ मलबार, यमी मलबारी फूड. अब मसाले के पिटारे से अब हल्का सा नमक जा रहा है. And here we have, can you show this? Mango. Alapi. All right. We have mangoes here. Yes. Surma. And now can you show the fish please? Kingfish. Kingfish. अच्छा अगर kingfish नहीं होगा तो कोई और fish भी use कर सकते हैं क्या? सकते हैं. वो आइला सकते हैं. आइला डालेगा. जी. हाँ. तो आप अपने मर्जी से जो fish use करना है आप करिए. फिलहाल यहाँ पे kingfish का इस्तेमाल किया गया है. How many pieces we get? चार पीस. चार पीस आ गया. और टेक्सचर बदल रहा है अभी करी का. लुकिंग नाइस. सो अब और पानी डाला जा रहा है. करी करी बढ़ जाती है इससे. सम ड्रमस्टिक. ये फिश करी का ये और थिक थिक भी हो जाएगा. आपका फिश करी भी थिक हो जाएगा, रिच हो जाएगा ड्रमस्टिक से. दिस इज लुकिंग बेटर एंड बेटर, गेटिंग बेटर एंड बेटर. यहाँ पे खाना भी देखिए, अब एकदम पत्ते पे सर्व किया जाता है. पत्ते को अच्छे तरीके से हीट किया जाता है. ये गरम क्यों करते हैं वैसे पत्ते को? ओ अच्छा, ये लगाने के लिए. लेकिन अच्छा ओके, गरम करेंगे तो भी पत्ता को फ्लेवर अलग आएगा. अच्छा फाइनली कोकोनट मिल्क पाउडर डालेगा. दिस इज कोकोनट मिल्क पाउडर. कोकोनट मिल्क. हाँ, फिश करके मेन इंग्रेडिएंट्स है. ज़्यादातर के सारा केरला के जो क्यूजीन्स है उसमें कोकोनट तो जाता ही है. हाँ, एंड दिस इज बिकमिंग थिक. एक तो ड्रमस्टिक से थिक हो गया और ग्रेवी, अब ये भी और ज़्यादा थिक हो गया. ऑथेंटिक केरला की एक बात मुझे ये अच्छी लगी है कि यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सब कुछ तुरंत तभी के तभी ही बनाया जाता है. ऐसा नहीं है कि पहले से ही बना के रखा गया है. और इट एवरीथिंग इज सर्व्ड फ्रेश, राइट? हाँ, फिश भी फ्रेश है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी फ्रेश है, जो पेस्ट बनता है वो भी तभी के तभी बनता है, प्री प्रिपेयर्ड कुछ नहीं है. एंड आई एम राइट नाउ हियर इन पवई इनसाइड द किचन ऑफ ऑथेंटिक केरला. आई विल बी कवरिंग सम यमी
मलबार क्यूजींस, यूर एट ऑथेंटिक केरला। एंड आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई में आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आकर इनके ये यमी यमी क्यूजींस ट्राई करना है। और ये देखिए हल्का सा कोकोनट ऑयल, सब एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जा रहा है। हमारी करी भी रेडी हो गई है। एंड ये अब परोसी भी ऐसी जा रही है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। Look at that, so beautiful. आपको पता है कि ये जो केले के पत्ते पे परोसा जा रहा है, ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, ये पत्ता छोड़ना स्टार्ट करता है जैसे ही ये गर्म होता है, और फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ गए। लुक एट द करी, दिस लुक्स सो अट्रैक्टिव, सो अल्यूरिंग। ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। एंड द करी इज बीन सर्व्ड विद केरला बॉइल्ड राइस। अच्छा कॉम्बिनेशन, इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। सो दिस फिश करी सर्व विथ राइस, एंड ये कोई रेगुलर राइस नहीं, आपको केरला बॉइल्ड राइस के साथ ही खाना है, खाएंगे तो पूरा मज़ा आएगा आपको। सो अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और ये किचन से आप सर्व करने जा रहे हैं। अभी आग लग गई है। मसाला, चिली पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर, टर्मरिक, टर्मरिक, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, मीट मसाला। दिस इज द मीट मसाला, ईस्टर्न मीट मसाला। सोया सॉस, वाओ। This is the marinated mutton. Salt. एग्जॉस्ट ऑन है? ऑन नहीं। और ये लेमन स्क्वीज।
कर रहे हैं।